आरएसएस चीफ मोहन भागवत इन दिनों बीजेपी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। हालांकि वो किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन समझने वाले समझ ही जाते हैं। और इसी कड़ी में आरएसएस चीफ का झारखंड के गुमला में दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अब लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं। मोहन भागवत ने गुमला में यह बयान तब दिया जब वह गुरुवार को बिशुनपुर के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि आत्मविकास करते समय एक मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है, सुपरमैन बनने के बाद वह देवता और फिर भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत के इस बयान पर राजनीति होना तय था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन जयराम रमेश ने क्या कहा उसे बताएं, उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा था। दरअसल गुमला में गुरुवार को मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोगों में मनुष्य होने के बावजूद मानवीय गुणों का अभाव होता है और उन्हें सबसे पहले अपने अंदर इन गुणों को विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति का कोई अंत नहीं है, मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वो वहां नहीं रुकता है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, वो देवता बनना चाहता, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। मोहन भागवत के सुपरमैन वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। जिस तरह से भागवत का यह बयान आया, सियासी गलियारों में चर्चा फिर से शुरू हो गई कि क्या आरएसएस और बीजेपी में वैचारिक टकराव तेज हो गया है। जिस तरह से मोहन भागवत ने सुपरमैन भगवान बनने जैसे कमेंट किए, ऐसी अटकलें लग रही हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के वैचारिक स्रोत में टकराव की स्थिति है। मोहन भागवत के कमेंट को कांग्रेस पीएम मोदी पर तंज के तौर पर पेश किया है। वैसे कोई पहला मामला नहीं है जब आरएसएस प्रमुख ने कमेंट किया हो। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भी नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने के अधिकारी है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को नसीहत भी दी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।